आज ओडिशा राज्य महिला आयोग एवं संबलपुर जिला प्रशासन सहयोग में आम आज ये शिविर अदालत करुचु। ये 68 केस पोस्ट हो द्विपक्ष को आम आज डाकिचु। उभय पक्ष मध्य काउनसिलिंग करी सेमानक केस को समाधान करने कमिशन तरफ आमर प्रयास जारी रही। कैंप कोर्ट में मोर दुई जन मेंबर एडिशनल एसपी बा अन्य स्टाफ मैंने सहयोग करुछंती। महिला मैंने समाज रे बा परिवार रे किभली भाव रे सुस्थ सुंदर वातावरण मध्य जीवन अतिवाहित करें से महिला कमिशन सबुबले तार कार्यधारा जारी रखि थाए। विशेषकर महिला मैंने से अधिकार किभली भाव पाइबे समाज रे गोटे सम्मान सहित जीवन अतिवाहित करें से महिला कमिशन तांकर कार्यधारा जारी रखि थांदी। किंतु आज ये कैंप कोर्ट में आम प्रायतः चेष्टा करिछु। अनेक केस द्विपक्ष को आलोचना कर समाधान हो सारे आउर केस चली आशा रखी निश्चित भाव अनेक केस समाधान हे। देखु आमर एवं सुधा प्राय 6-7 हजार केस एवं प्रोसेस चली पेंडिंग नुहे से प्रोसेस चली। ममिता मेहर केस एसपी को रिपोर्ट मागिथिलु फील्ड विजिट करिछु इंक्वायरी करिछु प्रॉपर्ली इंक्वायरी करिछन पुलिस विभाग एवं सेठी मध्य जे दोषी निश्चित भाव में दंड पाया पे सब प्रकार आईनगत व्यवस्था करा गयो। एसपी ऑलरेडी कही सारिछन्ती से तांको केस टिकु फास्ट ट्रैक कोर्ट रे पटेइबे पकेइबे एवं जहां मान्यवर अदालत विचार कर देखु हत्या करा गला कि कौन है पुलिस विभाग तदंत कर रिपोर्ट मान्यवर अदालत को देवे खूब शीघ्र तदंत विलंब हेनी बर तदंत प्रायत शेष अवस्था पहुंची जितेबले पुलिस विभाग तर इनक्वा रिपोर्ट कोर्ट मान्यवर कोर्ट सबमिट करेंगे से अनुसार आप जानते निश्चित भाव में या मुझे कह चाहे जी दोषी से निश्चित भाव में दंड पाइब आपण मैंने समय को अपेक्षा करूँ। आज्ञा देखु कौन क्षेत्र में राजनैतिक चाप कथा उठूनी जी दोषी मु प्रथम कही जिते प्रभावशाली व्यक्ति होना कहीं आईन पाखे समस्ते सामान पुलिस विभाग तार तदंत करुंती निश्चित भाव में आपण मैंने जापरेंगे किभली भाव में दोषी दंड पाइब मु आज्ञा कहली जे दोषी निश्चित भाव दंड पाइबे।